गुड मॉर्निंग क्लास, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। सी प्लस प्लस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का वेलकम है। और अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इससे पिछला हमारा टॉपिक था वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस, कि हम लोग इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक डेराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास के वैल्यूज को यानी वेरिएबल्स को और मेथड्स को कैसे यूज करता है। आज जो हमें देखना है वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो कहता है देयर आर मेनली फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल हायरार्कल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इन सारे इनहेरिटेंस को एक एक करके देखते हैं। कहता है इट इज़ द प्रोसेस यानी सिंगल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। है ना, एग्जिस्टिंग क्लास से नया क्लास बनाना हमारा सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। और एग्जिस्टिंग क्लास यानी कि बेस क्लास, द एग्जिस्टिंग बेस क्लास इज कॉल्ड डायरेक्ट बेस क्लास एंड न्यूली क्रिएटेड क्लास इज कॉल्ड सिंगल डिराइव्ड क्लास। यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा डायरेक्ट बेस क्लास कहलाएगा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे समझ में आ जाएगा, जस्ट अगले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। एंड न्यूली क्रिएटेड क्लास इज कॉल्ड सिंगल डिराइव्ड क्लास, यानी कि उसका एक डिराइव्ड क्लास। तो एक ही डिराइव्ड क्लास हुआ, एक बनाया तो एक ही होगा। हेंस इन इन केस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज ओनली वन बेस क्लास। यानी कि ये अगर डिराइव्ड क्लास है, बी से, बी जो है ए से डिराइव हुआ है, तो बी के पास एक ही बेस क्लास है ना, सिंगल बेस क्लास है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए कि क्लास ए है और क्लास बी इनहेरिट हो रहा है ए से, तो बी के पास एक ही बेस क्लास है, डेट्स नेम इज ए। ओके, हेयर द डिराइव्ड क्लास बी हैज ओनली वन बेस क्लास ए, यानी कि बी डिराइव्ड, बी के पास केवल एक ही ए नाम का बेस क्लास है। अगला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है इफ ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ टू और मोर बेस क्लास, यानी कि एक डिराइव्ड क्लास है और वो एक से ज्यादा बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है या प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस हैज मेनी एडवांटेज ओवर सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसको बहुत सारे एडवांटेज है, सच एज एबिलिटी टू डायरेक्टली एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी इसमें एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ये एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हेयर, लेट अस सी इज एन डिराइव्ड क्लास। सी हमारा एक डिराइव्ड क्लास है और सी जो है ए से भी इनहेरिट हो रहा है और बी से भी इनहेरिट हो रहा है, तो सी के कितने बेस क्लासेस बन जाएंगे, यहाँ पे दो बेस क्लासेस बन गए, तो ये यहाँ पे मल्टीपल बेस क्लास का केस है। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए एक इंडिविजुअल क्लास है, बी एक दूसरा इंडिविजुअल क्लास है, और यहाँ पर सी एक डिराइव्ड क्लास बना इस तरीके से कि इसके दो बेस क्लास है, यानी ए से भी इनहेरिट हो रहा है और बी से भी, यानी ए के भी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा और बी को भी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे मल्टी लेवल भी आने वाला है। तो मल्टीपल में क्या होता है, एक के पास एक से ज्यादा बेस है। ओके, इन द एबव एग्जाम्पल क्लास सी इज डिराइव्ड एंड इट हैज टू बेस क्लास, दैट इज क्लास ए एंड क्लास बी। सी जो है डिराइव्ड है और उसके पास दो बेस क्लासेस है। तीसरे नंबर पे आते हैं हायरार्कल इनहेरिटेंस। कहता है दिस हायरार्कल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट व्हेन ए सर्टेन फीचर ऑफ वन लेवल, यानी एक लेवल का जो सर्टेन फीचर्स है आर शेयर्ड बाई मेनी अदर लेवल्स, यानी कि कई सारे लेवल्स उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नाम का एक यदि हमारा क्लास है तो उसके तीन क्लासेस उस अकाउंट का यूज करेगा, यानी उस अकाउंट से विदड्रॉ करने के लिए भी अकाउंट का जरूरत है, बैलेंस चेक करने के लिए भी अकाउंट का जरूरत है और डिपॉजिट करने के लिए भी अकाउंट का जरूरत है। तो एक सर्टेन लेवल का फीचर जो है कई सारे लेवल्स पे अगर शेयर किया जाता है तो दिस टाइप ऑफ, या यूज किया जाता है, शेयर का मतलब यूज किया जाता है, तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हायरार्कल इनहेरिटेंस। लेट अस सी द एग्जांपल, हियर इज द क्लास अकाउंट, हियर इज द क्लास विथड्रॉ, विथड्रॉ इज इनहेरिटेड बाय अकाउंट क्लास, पब्लिक अकाउंट, ऑल्सो देयर इज अ क्लास बैलेंस, इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड बाई द अकाउंट क्लास,
and there is another class named deposit and this class is also inherited by account class. तो यहाँ पे account class से जो है तीनों ही withdraw balance और deposit तीनों ने ही उसके properties को share किया so that this type of inheritance is called hierarchical inheritance. यहाँ पर अब देखा जाए ऐसे तो हर क्लास के पास एक ही बेस क्लास है और उसका नाम है अकाउंट अकाउंट अकाउंट. तो ये सिंगल का भी केस यहाँ पे बनता है लेकिन सिंगल प्रॉपरली सिंगल तब होगा जब एक ही विथड्रॉ क्लास होता है यानी कि ऐसा हमारा होता है इतना ही होता तो ये सिंगल का केस होता है. लेकिन यहाँ पर तो तीन क्लासेस है यहाँ पे तीन क्लासेस है और तीनों ही क्लास अकाउंट को शेयर कर रहा है अकाउंट से इनहेरिट हो रहा है. सो दिस इज द केस ऑफ हायरार्कल इनहेरिटेंस. ओके एंड सेकेंड लास्ट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. व्हाट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो देखिए पहले इस बॉक्स डायग्राम को समझिए. मान लीजिए ए जो है ए एक क्लास है और ए क्लास इनहेरिट कर रहा है बी क्लास को यानी बी इज इनहेरिटेड बाय ए यानी बी जो है ए के प्रॉपर्टीज को बी जो है ए के प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है. फिर उससे एक डिराइव क्लास बना सी और सी फिर बी के प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है. तो ये अब चूंकि देखिए राम दोस्त है श्याम का और श्याम दोस्त है घनश्याम का तो ये डायरेक्टली इसका फ्रेंड है ये भी इसका डायरेक्टली फ्रेंड है. सो डेट ये फ्रेंड जो है इस फ्रेंड के यानी सी जो है ए के वैल्यूज को यूज कर सकता है. दिस इज द इनडायरेक्ट बेस और यहाँ पर क्या है ये डायरेक्ट बेस है. बी से ए पर भी देखा जाए तो डायरेक्ट बेस है. तो दिस इज द मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. लेट अस सी द एग्जांपल. देयर इज अ क्लास इंडिविजुअल क्लास क्लास ए देयर इज अ डिराइव्ड क्लास नेम्ड बी एंड दिस इज इनहेरिटेड बाई ए. तो बी इनहेरिट हुआ किससे ए से हुआ और फर्दर देयर इज अ क्लास सी एंड सी इज इनहेरिटेड बाई बी. तो यहाँ पर देखिए सी जो है बी के प्रॉपर्टीज को तो यूज कर ही सकता है. फिर बी का कर्सर को ध्यान से देखिएगा बी का बेस क्लास ए है तो चूंकि बी ए को यूज कर सकता है इसलिए सी जो है बी और ए दोनों को यूज कर सकता है यानी कि ये लेवल हो गया एक लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल और ये लेवल किसी भी लेवल तक जा सकता है यानी कि फिर डी होगा जो सी से इनहेरिट होगा और डी जो है ए बी सी तीनों के वेरिएबल्स को या उसके मेंबर्स को क्लास के मेंबर्स को यूज करेगा. तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. कहता है ए डिराइव्ड क्लास कैन इटसेल्फ सर्व एज ए बेस क्लास ऑफ अनदर क्लास यानी कि एक डिराइव्ड क्लास बी है वो सर्व कर रहा है बेस ऑफ अनदर क्लास. ओके When a derived class declared as a base of another class, एक derived class यानी B तो अपने आप में derived है और वो declared हो गया base of another class, then newly derived class, तो newly derived class कौन है यहाँ पे C है inherit properties of its base class, यानी C अपने base class के properties को use कर सकता है and properties of बेस क्लास ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास यानी कि इसका बी का जो फिर सी का जो डायरेक्ट बेस क्लास है यानी बी जो है उसके भी बेस क्लास को प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है. तो यहाँ पर ए भी इसका बेस क्लास है लेकिन इनडायरेक्ट बेस क्लास है ना. देखिए सी का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है ए से लेकिन सी का बी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके कहता है In the above example, there is a two derived class B and C, and also two base classes A and B. A और B दो base class है. देखिए यहाँ पर A और B दोनों base class है और derived class भी दो है यानी कि B और C है. Okay? Hence, B can use the properties of class A and class C. है ना? Hence class B can use the property. ये एक mistake है यहाँ पे इस B को आप लोग C बना लीजिएगा प्लीज. ये लिखने में टाइपिंग मेरे से लिखने में ही mistake है तो यहाँ पे होगा hence class C can use the properties of class A and class B. है ना? Hence class B can use properties of class A and class C can use properties. Sorry. नहीं ये सही लिखा हुआ है. सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. कहता है हेंस क्लास बी कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए यानी बी जो है क्लास ए के प्रॉपर्टीज को यूज करेगा चूंकि बी इनहेरिट हो रहा है ए से
और फिर कहता है कि एंड क्लास सी और जो सी क्लास है कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास बी, क्लास बी को तो यूज करेगा ही क्योंकि सी बी से इनहेरिट हो रहा है, एज वेल एज क्लास ए, क्लास ए के भी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। तो ये लिखा हुआ सही था। वापस चलिए अब हम लोग पांचवे नंबर पे चलते हैं और इस इनकन्वीनियंस के लिए मैं पुनः सॉरी। ओके, तो अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे आते हैं। कहता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के दरमियान सम टाइम वी नीड टू अप्लाई टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कभी कभी हमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के इनहेरिटेंस की आवश्यकता पड़ती है। इन सच ऑफ केसेस हाइब्रिड इनहेरिटेंस एग्जिस्ट, वहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल थिंक वी हैव ए स्टूडेंट क्लास, हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है विच इज बेस फॉर मार्क्स, वो मार्क्स का बेस है। अब इस पहले इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग समझ ले कि यहाँ पर देखिए एक मार्क्स क्लास है और एक स्टूडेंट क्लास है। तो मार्क्स जो है वो डेराइव्ड है स्टूडेंट से और मार्क्स से डेराइव्ड है रिजल्ट क्लास। ओके, और फिर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि रिजल्ट क्लास जो है मार्क्स से इनहेरिट हो रहा है और मार्क्स इनहेरिट हो रहा है स्टूडेंट से। तो रिजल्ट के पास एक बेस क्लास मार्क्स यहाँ पे आएगा और रिजल्ट को चूंकि स्टूडेंट का एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी जो है वो भी चाहिए हर एक स्टूडेंट के रिजल्ट पब्लिश करने के लिए, तो सो डैट वो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी से भी इनहेरिट हो रहा है। तो सो देयर इज सो डैट हेयर इज द ऑल्सो केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये मल्टी लेवल और ये मल्टीपल। अब इस एग्जांपल को देख लीजिए तब इसके डिस्क्रिप्शन पे हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है, एक्स्ट्रा सर्कुलर, दोनों क्लास अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे एक मार्क्स क्लास है और मार्क्स जो है स्टूडेंट से इनहेरिट हो रहा है और यहाँ पे एक रिजल्ट क्लास है तो रिजल्ट जो है मार्क्स से अब हो रहा है, ये रिजल्ट जो है मार्क्स से हो रहा है और साथ साथ एक्स्ट्रा सर्कुलर से हो रहा है। तो मार्क्स और एक्स्ट्रा सर्कुलर दो बेस क्लास बन गए, सो दैट द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन मार्क्स और मार्क्स फिर बना स्टूडेंट से, तो दिस इज द मल्टी लेवल। तो यहाँ पर दो तरह के इनहेरिटेंस का केसेस देखने को मिल रहा है, सो दैट दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल थिंक वी हैव ए स्टूडेंट क्लास, हमारे पास स्टूडेंट क्लास है विच इज द बेस ऑफ फॉर मार्क्स, वो मार्क्स का बेस है। ऑल्सो वी हैव ए रिजल्ट क्लास विच इज डिराइव्ड क्लास ऑफ मार्क्स क्लास, रिजल्ट जो है मार्क्स से डिराइव हुआ है। इफ यू वॉन्ट टू एड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी ऑफ ए स्टूडेंट इन रिजल्ट, रिजल्ट में स्टूडेंट के इस एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी को एड करना चाहते हैं, देन रिजल्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड बाई एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी क्लास, है ना। तो ये दोनों से इनहेरिट हो गया इस तरीके से। कहता है हेयर इन केस ऑफ रिजल्ट द क्लास कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मार्क्स एंड स्टूडेंट क्लास, मार्क्स और स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज करता है, सो देयर इज ए केस ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऑल्सो रिजल्ट क्लास इनहेरिटेड बाई बोथ मार्क्स एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी क्लास, सो द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी क्लास केस बनता है। तो अब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फर्दर जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नए टॉपिक्स के साथ इनहेरिटेंस से रिलेटेड हम लेकर के उपस्थित होते रहेंगे।